चलिए, स्वागत है आपका फिर से लक एकेडमी में। यहाँ पर क्या हुआ था कि पिछली बार मैंने एटीपी सीरीज की बड़ी ऐसी ट्रिक सिखाई थी पिछली वीडियो में, तो जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं, लिंक में सब्सक्रिप्शन में आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पर चेक कर सकते हो। तो इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई थी मैंने एटीपी सीरीज की, जहां पर बोला गया था कि भाई प्लीज मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्युमिनियम, जेब्रा मतलब जिंक, I मतलब I, तो please stop calling me a zebra. I like her call mini smart girl pretty. That means यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि please stop calling me a zebra. Please stop calling me a zebra. Please मतलब potassium, stop मतलब sodium, calcium call, magnesium Mg, me aluminium मतलब a zebra jagger. I मतलब iron, like मतलब lead, her मतलब hydrogen. कॉल मतलब कॉपर, मी मतलब मरकरी, स्मार्ट मतलब सिल्वर, गर्ल मतलब गोल्ड और प्रिटी मतलब प्लैटिनम। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग हियर ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉल अ मिनी स्मार्ट गर्ल। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक थी। पर कई लोगों के भी कमेंट्स आए कि सर हमको हिंदी में चाहिए। अब हिंदी में चाहिए तो मैंने हिंदी के लिए फिर अलग से बनाई थी, कि काफी लोगों को बोला कि नहीं सर हिंदी में, तो मैंने कहा चलिए हिंदी में भी आपके लिए ट्रिक करते हैं। हिंदी में जिन लोगों को नहीं पता है वो ऐसे लिख सकते हैं, केदार केदार नाथ, मैं एक और काफी ट्रिक बताऊंगा इसी वाली वीडियो में, केदार नाथ का माली, माली का मतलब हो गया यहां पर ऐसे लिख सकते हैं माली, है ना ली, या ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी वालों के लिए बहुत सिंपल सी है, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली मतलब केदार मतलब यहां पर के, नाथ मतलब सोडियम, कैल्शियम मतलब का, माली मतलब एमजी, एल मतलब क्या कर लिया मैंने आलू, केदारनाथ का माली आलू, जरा फीका पकाता है। ऐसे मैं कर सकता हूं कि भाई इंग्लिश वालों को तो मेरे ख्याल से सबसे सिंपल ट्रिक लगी कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग हियर ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉल अ मिनी स्मार्ट गर्ल। अब ये तो सिंपल हो गया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग हियर ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉल अ मिनी स्मार्ट गर्ल। हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक है। इसके अलावा तीसरी ट्रिक कॉल लेकर हम लोग, भाई केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली, केदार मतलब के हो गया, नाथ मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्युमिनियम, जरा मतलब जेटन, फीका मतलब आयरन, पकाता मतलब लैड, है मतलब ये। अब बचे चार, तो चार के लिए हम क्या करेंगे, चाप इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, चाप सी एच ए, ठीक है सी एच ए, चाक का मतलब हो गया सी का लिख लेना है हमको कॉपर, ठीक है मरकरी के लिए जी, सिल्वर और ये। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसकी जो ट्रिक में बना देता हूं, इसका मतलब है चाक लिख लिया हमने, चाक का मतलब हो गया चैप, इसलिए चा और लास्ट में पी आ जाएगा प्लैटिनम। तो चैप का मतलब क्या हो गया भाई, लास्ट में क्या करना है, इसके साथ यू लगाना है और इसके साथ यू लगाना है, इसके साथ जी और लास्ट में आपका प्लैटिनम। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, चैप चैप मतलब क्या हो गया, चैप चैप मतलब कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये हिंदी वालों के लिए बहुत बढ़िया सी ट्रिक हो गई। अब काफी लोगों ने बोला सर हमसे ये भी ट्रिक हमको नहीं आ रही, तो फर्स्ट ट्रिक देखिए आपके लिए ये बना दी मैंने, सेकेंड ट्रिक आपके लिए देखिए ये वाली बन गई, थर्ड ट्रिक को मैं अभी के अभी आपके लिए इन्वेंट करता हूँ। सिंपल समझिए, देखिए बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत तरीके से काफी लोगों ने पसंद की। देखिए कैटरीना, समझिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कैटरीना ने कार मांगी, समझिए लीना कैटरीना, करीना मांग सकते हो जरूरी नहीं है, आपको अपनी पसंद है भाई, जिसको जो पसंद हो, हमको तो कैटरीना पसंद है। तो क्या बोल सकते हैं, कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, कैटरीना
ने कार मांगी। मैं काम करता हूँ इसके लिए, आपको शॉर्ट कर देता हूँ। आप अगर इसको नहीं कर पा रहे हो, बड़े तरीके से मैं इसकी बनाऊंगा। मैं तीसरी वीडियो में एक और यही वाली ट्रिक लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे वाली वीडियो का इंतजार करें। तो मैं ये वाली आपको ट्रिक भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये वाली ट्रिक आपको अगर चाहिए हो तो मैं इसको वाली जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू।